देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सीटों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मैं पूरे प्रदेश में मुख्तलिफ विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ और अपना कमेटी और कमेटी के जायजा ले रहा हूँ। जहाँ जो कमियाँ है उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर लेंगे। मौजूदा वक्त में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और 2022 का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर के लाएंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस मरतबा हम इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा MLA जिता करके उत्तर प्रदेश की बात संभाल सकते हैं। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर हैं और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब वो कौन सी पार्टी की कौन महिला थी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी पार्टी की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए और हमको भी किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, हम कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे। हम मोर्चे का हिस्सा है, मोर्चा तय करेगा। फिलहाल हमने 100 सीटों को आइडेंटिफाई किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बाकी मोर्चे के जो संयोजक हैं, मोर्चे में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बैठकर कहेंगे जो सीटें हमें मिलेंगी उस सीट पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए हमारी पार्टी ईमानदार साफ और शफाफ लोगों को टिकट देती है, उसमें महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं, उसमें हिंदू भी हो सकता है मुसलमान भी हो सकता है बीसी भी हो सकता है दलित भी हो सकता है, वो हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई कैद नहीं। अच्छा आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, 376 के मुकदमे उसके ऊपर ना हो।